Good morning students, how are you? Welcome to online study. I am Suman Lata from DAV Public School Mansa. Today we are going to do Hindi activity. बच्चों आज हम इस activity के माध्यम से आ की मात्रा के बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले बच्चों आपने मेरे को बताना है कि ये कौन सा स्वर है. कौन सा स्वर है? अ. अगर हम इस अ के साथ एक लाइन लगा देंगे तो ये कौन सा स्वर बन गया? आ. कौन सा स्वर बन गया? आ. तो आज बच्चों आज हम आ की मात्रा के बारे में आपको बताएंगे कि आ की मात्रा से कौन से शब्द बनते हैं. सबसे पहले बच्चों आप देखो, मैं आपको कुछ वस्तुएं दिखाऊंगी, आपने बताना है कि ये कौन सी वस्तु है. ये कौन सी वस्तु है बच्चे? ताला. अब हम देखेंगे इसको आ की मात्रा से कैसे लिखते हैं. ताला. देखो बच्चों ये कौन सा व्यंजन है? त. त. अगर हम त के साथ आ की मात्रा को लगा देंगे तो ये क्या बन गया? ता. क्या बन गया? ता. और अब ल. ल के साथ अब हम आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन गया? ये ला. अब सभी बच्चे इसको जोड़कर बोलना है. ता ला. ताला. क्या बन गया? ये ताला. ताला. आगे देखो बच्चों ये कौन सी वस्तु है? बाजा, जो आप मेले से लेके आते हो. इसको देखो हम कैसे लिखेंगे. ये कौन सा व्यंजन है? ब. ब. इसके साथ हम मात्रा को लगा देंगे आ की तो ये क्या बन जाएगा? बा. क्या बन जाएगा? बा. अब ये कौन सा व्यंजन है? ज. ज. इसके साथ हम आ की मात्रा लगा देंगे बच्चों तो ये क्या बन गया? जा. अब इसको जोड़ो, क्या बन गया? ये बाजा. बाजा. जब हम आ की मात्रा लगा देते हैं तो हम उसकी आवाज थोड़ी आख आ होती है. बा जा. बा जा. आगे देखो बच्चों ये कौन सी वस्तु है? माला. अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों माँ. माँ के साथ हम आ की मात्रा लगा देंगे माँ को, फिर क्या? माँ क्या बन जाएगा? माँ. माँ. ये कौन सा व्यंजन है? ल. ल. ल के साथ अब आ की मात्रा लगा देंगे ला. अब बच्चों इसको जोड़ो, क्या बन गया? ये मा ला. माला. कौन सा शब्द बन गया? माला. आगे देखो बच्चों ये कौन सा, ये कौन सी वस्तु है? छाता, जो आप बारिश के समय में इसको लेते हो. तो देखो बच्चों ये कौन सा व्यंजन है? छ. छ. अब छ के साथ हमने आ की मात्रा को लगा दिया तो ये क्या बन गया? छ. अब ये कौन सा व्यंजन है? त. त के साथ हम अगर आ की मात्रा को लगा देंगे बच्चों तो ये क्या बन गया? ता. अब देखो बच्चों इसको जोड़ो, छाता. छाता. तो बच्चों अब हम, अब हमने देखो इस एक्टिविटी के माध्यम से आ की मात्रा का अच्छी तरह से उच्चारण कर लिया है. अब आपने घर पर इसको अच्छी तरह से आ की मात्रा का उच्चारण करना है. धन्यवाद.